रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको मैं मैगी और पास्ता मिक्स रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वेरी सिंपल रेसिपी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसके अंदर छोटे 3 चम्मच तेल डाला है। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी राई डालूंगी। आंच को बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, तो ये राई चटक चुकी है। देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़े से प्याज काटे थे, एक बड़ा प्याज था ये, इसको मैं इसके अंदर डालूंगी। तो इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का कच्चापन निकालेंगे। तो देखिए प्याज हल्के पिंक हो चुके हैं, मैं इसके अंदर एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर एक बड़ा आलू डाल रही हूँ, ये मैंने इस तरीके से कट किया है। तो मैं इसको हल्का गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये आलू हल्के से गल चुके हैं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधी से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च डाल रही है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 चम्मच नमक, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इनको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि ये आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो मैं इसके अंदर मैगी डाल रही हूँ। ये मैंने एक मैगी का ये लिया था पाउच, इसके अंदर ये निकला है। तो इसको आप चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो, मैं इसको इस तरीके से अलग करके डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 ग्लास पानी डालूंगी, तो ये पानी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इसको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो देखिए ये मैगी आधी गल चुकी है, मैंने इसको पूरी नहीं पकाया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर। अगर विनेगर नहीं होता आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, नींबू का रस नहीं होता अमचूर भी डाल सकते हो, आपके सूटेबल कुछ भी हो वो डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन चिली ये सॉस ये डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर टमाटो सॉस डाल रही हूँ, तो मैं कम से कम 2 चम्मच इसके अंदर टमाटो सॉस डाल रही हूँ। अगर बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि ये सॉस वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैं इसको थोड़ी देर इसी तरीके से पका लेती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ये टेस्ट मेकर डाल रही हूँ, तो ये 1 पाउच डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं ये इसके अंदर पास्ता डाल रही हूँ, तो ये मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो इनको इसके अंदर मिला दें। तो ये मैगी और पास्ता का मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि ये सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये पास्ता और मैगी हमारी तैयार हो चुकी है, तो मैं अब गैस बंद कर दूंगी और इसको सर्व कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मैगी और पास्ता अच्छे से तैयार हो चुके हैं, मैंने इनको सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि मैगी उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बना के खिला सकते हो, उनकी विशेष पूरी कर सकते हो। तो आपको ये मेरा सिंपल सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी सिंपल सिंपल रेसिपी आसानी तरीके से मिल सके। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।